नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक का नाम संजीव बताया जा रहा है। उसकी उम्र 47 साल बताई जा रही है। संजीव नरेला के इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में सिलाई का काम करता था। जैसे ही उसने कंपनी के पार्किंग में अपनी बाइक लगाई, तभी दो बदमाश बाइक पर आते हैं और संजीव को गोली मार कर फरार हो जाते हैं। गोली संजीव के गर्दन के पीछे जाकर लगती है। ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस कॉल करके घायल व्यक्ति को आनन फानन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद वहां से घायल को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि संजीव कुमार अपनी प्रेमिका से रोजाना मिला करते थे, लेकिन एक शख्स उसे प्रेमिका से मिलने से बार बार रोकता था। इसी रंजिश में आकर उस शख्स ने संजीव को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपका कुंदन सिंह मिश्रा सर, आज क्या घटना हुई है यहाँ पे? सर यहाँ गोली मारी गई है लड़का, ये आदमी को। क्या वो क्या काम करते थे? वो सर सिलाई का काम करता। क्या नाम है उनका? संजीव कुमार झा। क्या सिलाई का काम? उम्र कितनी रही? उम्र सर 35 और 40 के बीच में। आपको कैसे पता चला? सर आवाज़ सुनी सर, हम तो ड्यूटी करते सर यहाँ। कितने बंदे रहे होंगे बदमाश? तो उस टाइम बदमाश तो एक दो ही बंदे आए थे सर। तो कैसे क्या हुआ घटना है सर? जानकारी क्या सर, वो आए पीछे से वो जैसे खड़ा हुआ उसको गोली मार दी। गोली कहाँ लगी है? गोली सर उसकी गर्दन में लगी हुई है। तो क्या उनकी कोई रंजिश थी या क्या? अब ये सर रंजिश के बारे में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो क्या वो बता रहे हैं कि पार्किंग में बाइक लगा रहे थे? हाँ, जैसे बाइक में पार्किंग में बाइक लगा रहे थे वैसे सर उनको गोली मार दी थी पीछे से। तो अभी नजदीक अस्पताल में सर राजा हरिचंद हॉस्पिटल भर्ती है। हालत कैसी बताई? हालत सर गंभीर है।